एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया जॉब अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें आज है कंपनी का नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन का नाम सुने होंगे, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है वो कंपनी। इसमें आज इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली थी, मैं ये जो गवर्नमेंट का जॉब है, और इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बताऊँ। इसमें एडजस्टिव और आता है सिविल इंजीनियर, उसमें भी वैकेंसी आती है, तो भी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बताऊंगा। इसमें जो पोस्ट आई है फिर वो ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। इसमें जो पोस्ट आई है वो मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए है, वर्क सीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है, ये कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो ये खैर बहुत अच्छी जॉब है इसमें, क्योंकि ये पीएससी के अंदर में आती है। नवरत्न पीएससी में एटलीस्ट वन टाइम आप पीएससी के अंडर काम कर लेंगे, तो अदर जो गवर्नमेंट के परमानेंट और फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आते रहते हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो चांस ज्यादा रहेगा सबलिस्ट होने का। अच्छा, काफी लंबा चार वर्क होता है जिसमें मैक्सिमम इसका रेलवे, हाईवे, बिल्डिंग एंड पावर सेक्टर में इसका मेजर इसका वर्क रहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका एक्चुअली काफ़ी सारा प्रोजेक्ट रहता है, तो इसके बेस पे काम करते रहते हैं। और मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस इरकॉन एंड वेरियस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर इसमें पोस्ट की बात कर लूँ, तो इसमें फिक्स जो भी है हमारा फिक्स कंसोलिडेटेड लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल मैनेजर के लिए इसमें फिक्स मिलती है, और सैलरी इसमें 60,000 पर मंथ, ये फिक्स कंसोलिडेटेड है। इसमें आपको कोई 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिलने का चांस नहीं है। ये जो भी है फिक्स, इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ, तो आप देख पाएंगे। और इसमें टोटल वैकेंसी है एक ओबीसी 01 का कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री या पोलिटिकल मांगा मिनिमम 60% होना चाहिए, और जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया तो वो AICTC यानी UGC अप्रूव होना चाहिए। आपका मैक्सिमम एज 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड पावर प्रोक्योरमेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेस्टिंग होता है, मेट्रो, वो सारा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये उड़ीसा इसका जॉब लोकेशन होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये वर्क इंजीनियर की हर साल वैकेंसी आती है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए। हर साल 51 वैकेंसी देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देता है। ये फिक्स टर्म कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट होता है, जिसमें पे होता है 36,000 पर मंथ रहेगा। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा 1 रुपये अमाउंट नहीं मिलेगा, जो भी है ये अमाउंट है। वैसे ऐसे 4 की वैकेंसी है, ध्यान रखना। और मिनिमम आपको 60% इरकॉन में अप्लाई करना है तो चलिए आपको, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 30 ईयर मैक्सिमम एज है इसमें, और 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला हो 36 घंटा, तो वैसे ये खैर साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की इसमें वैकेंसी ऐसी फिक्स कंसोलिडेटेड पे रहेगा आपका 5,000 पर मंथ, और जो भी ये वैकेंसी का इसमें भी डिप्लोमा अगर करें हैं तो आप एलिजिबल है। और ये खास कर ध्यान रखें ACTC अप्रूव होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर, 1 ईयर का, और ऐसा लोकेशन रहा। ये तीनों जो पोस्ट है, तीनों का जॉब लोकेशन अलग अलग है, एक पास नहीं, अलग अलग है। सबसे मैनेजर वर्क इंजीनियर है, इंजीनियर। एक चीज में नोट्स में डालने की, इसमें जो टीचिंग अप्रेंटिस या फिर आप कहीं कंसल्टेंट या फ्रीलांसिंग है, तो आपका एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखने का, इसमें ज्यादा नहीं होगा। और इन्होंने एक्चुअली लिखा हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रिटेन एंड इंटरव्यू। मैं इसमें कई बार इंटरव्यू दिया, जिसको भी ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है इंटरव्यू कराते हैं, रिटेन एग्जाम नहीं कराते। जब इनका क्या होता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या होता है फॉर्म ज्यादा आ जाएंगे, उस टाइम ये लोग क्या करते हैं रिटेन का प्लान करते हैं, बाकी मैक्सिमम टाइम भी इंटरव्यू रहता है, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम इंटरव्यू या चांस रहता है, इसमें रिटेन का चांस बहुत कम रहता है, तो आप उसके हिसाब से देख के अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्टेट में आप सुटेबल है, नियर का प्रोजेक्ट है, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो इसमें वो जो मेडिकल कवरेज मिलने वाला जो भी है 1,000 का जो भी है, ये अलग से दिया जाएगा। और इसमें वर्किंग टाइम जो भी आपका एज ए प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा वो रहेगा, और TAD आपको तभी मिलेगा जब आप आउटसाइड ड्यूटी कहीं जाओगे, तब मिलेगा। वैसे देखिए नो अदर्स बेनिफिट्स, मान ले रही नॉर्मल मेंशन किया एक्सेप्शन है, मतलब जैसे कोई अलग बेनिफिट नहीं, जो भी छुट्टी हो प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगी। मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रखा, आपको चाहे तो यहाँ वेबसाइट पर जाके जाके पढ़ सकते हैं। इसमें अपनी अलग रहता है अप्लाई करने का तरीका, इधर जो अप्लाई करने का तरीका है उसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है आपके पास, जो भी होगा कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी आप 10th से लेके ग्रेजुएशन किया चाहे डिप्लोमा किया, उसका पूरा सर्टिफिकेट प्लस अभी जो करंट कंपनी में वर्क कर उसका सैलरी स्लिप, प्लस 2 मंथ का जो भी ऑफर लेटर होगा, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा,
उस सारा आपको सेल्फ टेस्ट करके प्रिंट आउट निकाल के ए4 साइज में उसको आपको इस लोकेशन पे क्या होगा कुरियर करना होगा, और वो भी जो कुरियर करना होगा उसमें 7 तारीख से पहले आपको सेंड करना ही है, उसके पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तभी ये कॉर्पोरेट ऑफिस में तभी उसको कंप्लीट माना जाएगा। और ये उसकी पोस्ट है, 3 पोस्ट है, और तीनों पोस्ट में जो भी आप जो भी एनवलप बनाएंगे एनवलप के ऊपर आपको इसका नाम जरूर मेंशन करना, एप्लीकेशन पोस्ट आप जो ने, क्योंकि अगर आप वहाँ मेंशन नहीं किया तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ये खासकर ध्यान रखें कि वो समझ नहीं पाएंगे आपसे मैनेजर के लिए अप्लाई किया कि वर्क इंजीनियर के साइड से प्रोजेक्ट के लिए, तो चीज़ ध्यान रखने का। और ये लास्ट डेट है 7/7/2024 अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं भी। और इसका ये फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ इसका इरकान का एक नया फॉर्म आता नहीं चाहिए उसका, ये फॉर्म में आपको उसको भरना है, फोटो अटैच करना जो भी चीज़ है साथ में अटैच करके, जो भी इसका फॉर्म है, अगर OBC सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं भर के, और ये चीज़ें करके एक साथ इनका रिज्यूम का समझिए कर से फॉर्मेट है, वहाँ से अप्लाई करके आप फिल करके एक बार इनके लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं। इजीली आपको शॉर्टलिस्ट करें, शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैक्सिमम टाइम पहले फेस टू फेस चल रहा था इंटरव्यू, बीच में फिर ऑनलाइन भी हुआ था, अभी बे चांस है कि फेस टू फेस इंटरव्यू लोग कंडक्ट करें, जो इनका हेड ऑफिस यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली में उस लोकेशन पे ये लोग करते हैं, मैक्सिमम चांस होता है। पहले के टाइम पे अभी कोरोना के टाइम से इन लोग मैक्सिमम ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, अभी थोड़ा सा प्रोसीजर इन लोगों ने चेंज किया, और ये अच्छी कंपनी जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा बट आपको काम करने का जो अलग एक्सपीरियंस मिलेगा वो इकॉन में मिल सकता है, क्योंकि एक PSU हमारा नॉर्थ में है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसमें अप्लाई करिए मैं बोलूँगा तो, आपके आप इंटरव्यू दीजिए चांस रहेगा तो फिर करते हैं, अगर एक बार PSU में आप एंट्री मार गए तो नेक्स्ट चांस आता है कि नेक्स्ट में PSU में जा सकते हैं।